सो हे गाइस, भाई आपका आ चुका है एक और वीडियो लेके। और आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ होगी हमारी कि हम कॉलेज की वेबसाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो सारे क्वेश्चंस जो है आपके जो आ सकते हैं आगे जाके वो आप कॉलेज की वेबसाइट से ले सकते हो उसके आंसर्स। और मिसिसागा कैंपस का क्या सीन है, ठीक है? कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो मिसिसागा कैंपस में भी जा रहे हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं यार मिसिसागा कैंपस के बारे में बताओ, ठीक है? तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई भी कोर्स रिलेटेड डाउट है या कि आपको नहीं पता कोर्स कैसा है, ठीक है, या उसके आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, तो यार हमारी वेबसाइट मोहक की बहुत इक्विप्टेड है इस चीज़ से कि आपको उसके हर चीज़ का आंसर मिल सकता है उस पर, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सब कुछ उस पर रखा हुआ है कि स्टूडेंट अगर ढूंढना चाहे तो सबको ढूंढ सकता है उधर से। तो ये सब जानने के लिए मैं अपने लैपटॉप पर देकर आपको चलता हूँ। चलो तो यार मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अभी मैं मिसिसागा कैंपस के बारे में पहले बात करूँगा। मिसिसागा कैंपस एक नया कैंपस है जो अभी 2021 में ही चालू होना शुरू कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसमें मैं दिखा रहा हूँ। और मिसिसागा कैंपस के बारे में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मोहॉक कॉलेज हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रायोस कॉलेज, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मोहॉक कॉलेज का ही वो कैंपस है, मतलब पूरा मोहॉक कॉलेज है वो एक पार्टनरशिप में बना हुआ है ट्रायोस कॉलेज के, तो ठीक है? तो ट्रायोस कॉलेज के प्रॉपर अपना एक कॉलेज है ये। देखो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये ट्रायोस कॉलेज की वेबसाइट है। ये अलग से एक कॉलेज है और इसके कोलैबोरेशन में, इसकी ही बिल्डिंग में मोहॉक कॉलेज की अब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है? इन्होंने थोड़ा अपना एक्सपैंड करने के लिए पार्टनरशिप में अपना कॉलेज खोला है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था तो मैंने इसके बारे में सर्च किया। क्योंकि मेन कैंपस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट के, यहाँ पे फाइनल कैंपस है, IHS कैंपस है और स्टोनी ग्रीक कैंपस है, ठीक है? ये प्रॉपर कॉलेजेस है, बट जो मिसिसागा कैंपस है वो एक पार्टनरशिप में कैंपस बना हुआ है, एक किसी और का कॉलेज है उसमें वो क्लासेस लेंगे, मतलब वो एक कोलैबोरेशन में बना हुआ है, ठीक है? तो ये इसके बारे में ये कैसा है मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? अभी ये फर्स्ट टाइम क्योंकि चालू हो रहा है, तो अभी जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनके ही फीडबैक से मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे कैसा जाएगा, ठीक है? तो जो भी मिसिसागा कैंपस में एडमिशन ले रहा है और जो वहाँ पे जाके पढ़ेगा, मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना आप कि हम आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी भी हेल्प कर पाएँ, ठीक है? और मिसिसागा कैंपस में जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट सितंबर 2021 एट आर मिसिसागा कैंपस। यहाँ पे देखो ये एक्सक्लूसिवली मिसिसागा कैंपस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है इन्होंने, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो आप, इनके टोटल चार कोर्सेज है, ये चार कोर्सेज ही वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्क सिस्टम और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज। ये चार कोर्स ही हैं जिसके स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या करा है कि सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इनको वहाँ पे भेज देंगे, और मतलब इन चार कोर्सेज के, और बाकियों को उसमें ही अपने फाइनल या फिर और जो तीन कैंपस है उसमें इक्विप करेंगे। तो आई डोंट नो ये क्यों डिसीजन लिया है, बट ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसलिए इनका ये डिसीजन लिया होगा इन्होंने। तो चलो यार ये बात तो हो गई हमारे मिसिसागा कैंपस के बारे में, अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं जो था कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमारे सारे आंसर्स उसमें से निकल जाए और हमें यू नो ज़्यादा कंसल्ट करने की या फिर किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं सबसे पहले आप मेरा पेज देख रहे हो अभी, यहाँ पे मैं प्रोग्राम सर्च पे आ रखा हूँ। ये कैसे खुला कि ये वाला मेन पेज होता है, ये हमारा जैसे आपने अगर खोला होगा मोहक की वेबसाइट तो ये मेन पेज खुलता है। फिर प्रोग्राम्स पे आप जाओगे, प्रोग्राम्स पे जाके ये दो चीज़ें हैं आप इस पर क्लिक कर लो, सेम ही बात है, वो बस इंटरनेशनल्स के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे आके आपके पास सारे कोर्सेज आपको दिखाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि इंटरनेशनल वाले पे चलते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पे जाके कोई भी कोर्स पे जा सकते हैं। जैसे मैं अपने पहली बार मैं अपने कोर्स पे जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मेरे कोर्स का नाम है कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा कोर्स ही आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये ऊपर वाला देख रहे हो कोर्स, ये सेम कोर्स है मेरा भी, मेरा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है दोनों का, बट वो जो होने वाला है वो इंटरनेशनल के लिए होगा और वो मिसिसागा कैंपस में होगा, ठीक है? तो ये आप याद रखना। और वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? तो अभी जैसा वो पहला एक्सपीरियंस होगा उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टूडेंट्स का पहले एक्सपीरियंस के बाद कैसा रहा, ठीक है? तो ये जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली है, अब मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के बारे में ये होता क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम हाइलाइट्स पढ़ूंगा।
ठीक है, ये क्या होता है कि वैरायटी ऑफ टॉपिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये फलाना फलाना फलाना, ये मैंने पढ़ लिया। ठीक है, फिर भी यार मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट फिर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा व्हाट विल बी लर्न। ठीक है, ये सारा तो आपको पता ही होगा कि आप ये सारा पढ़ते हो, ये सारा पहला पेज तो आप सभी पढ़ते हो, ठीक है, जब भी आप कॉलेज की वेबसाइट विजिट करते हो। फिर अब हमें इसका फीस के बारे में जानना है, फीस के लिए भी यार ये सब कुछ दे रखा है। फीस के बारे में जो लेटेस्ट फीस चल रही है, ये लेटेस्ट फीस है एक साल की। एक साल में आपको फिर से बता दूं, एक साल होता है 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स की फीस आपकी $17,000 होगी। ठीक है, और आपके पास दो फीसेज होती हैं, पहला होता है नॉन कोऑप और एक होती है कोऑप के साथ। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोऑप कोर्सेज लेके आओ, ठीक है, तो उससे आपको एक्सपीरियंस बनेगा। एक्सपीरियंस बनने के बाद आप आगे जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको जॉब में आसानी हो सकती है आपके एक्सपीरियंस दिखा के। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद हम जाएंगे, अब हमें पता करना है यार इसके बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती है कि यू नो हमने जैसे ही कोर्स ख़त्म कर लिया तो उसके बाद हम क्या करें, कि हम डिप्लोमा एक और करें, कोई डिग्री पे जाएं, या आगे क्या हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मोहक के पाथवेज लिख रखे हैं, ठीक है, कि आप अगर एक अगर आप उसमें लाइक पहला सेमेस्टर, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं यार किनको होता है कि पहले सेमेस्टर के बाद हमें समझ नहीं आ रहा कोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे कोर्स में स्विच ले सकते हैं। बिकॉज पहले सेमेस्टर जो होता है हमारा वो नेटवर्क सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सिक्योरिटी और ये जो नीचे कोर्सेज लिखे हैं सबका सेम होता है पहला। ठीक है, ये जो 3-4 कोर्सेज लिखे हैं सबका सेम होता है, तभी इन्होंने बोल रखा है कि एंटर सेमेस्टर 2, कि पहला सेमेस्टर अगर आपने सॉफ्टवेयर में लगाया है तो अगर आपको चेंज करना है अगले सेमेस्टर में तो आप इन चारों कोर्सेज में किसी में भी जा सकते हो। ठीक है, फिर नीचे कि अगर हमारा कोर्स पूरा हो जाता है उसके बाद हम इन सब में भी जा सकते हैं, हम मतलब कोर्स पूरा हो गया हमारा उसके बाद हम इन सब कोर्सेज को में भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लस हमारे और हम क्या कर सकते हैं, हम डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं। ठीक है, बैचलर्स ऑफ डिजिटल हेल्थ जो आजकल नया इन्होंने शुरू करा है, ठीक है, उसमें आप जा सकते हो, बिजनेस एनालिसिस में जा सकते हो, डिजिटल हेल्थ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले सकते हो, या फिर एक डिग्री अर्न कर सकते हो डेवनपोर्ट यूनिवर्सिटी में। ऐसे ये सब कुछ इन्होंने दे रखा होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब प्रोग्राम ऑफ स्टडी यार इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी आ गया कि हर सेमेस्टर का इन्होंने क्या करा है कि प्रिंट दे दिया है कि भाई ये कोर्सेज तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर में क्या है, मतलब हम फर्स्ट सेमेस्टर का ही देखेंगे अभी, तो हम मुझे इसके बारे में पता नहीं है यार, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या होता है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो ये कोर्स ये पूरा खुल गया ना। अब इसके अंदर सब कुछ दे रखा है कि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है क्या, बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड फलाना फलाना फलाना। तो इसमें भी थोड़ा हाँ इसमें दे रखा है सब कुछ कि क्या क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यार तुम्हें इन सब चीज़ों को यूज़ करो। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखोगे तुम्हारे आंसर सारे इसी में से निकलेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि आगे हम चलेंगे अब लर्निंग आउटकम्स में। लर्निंग आउटकम भी वही चीज़ थी जो मैंने उधर बताई। ठीक है, और आगे चलते हैं, और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है। कुछ लोगों के डाउट आते हैं यार हम लैपटॉप कौन सा लें, या फिर हमें कुछ एडिशनल चाहिए होता है। एडिशनल में अभी लैपटॉप का भी आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या बोल रखा है, पहले आप ये देख लो। एडिशनल में इन्होंने बोल रखा है कि स्टूडेंट के पास एक 1 TB की USB हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। ठीक है, अब USB हार्ड ड्राइव क्यों चाहिए इसके लिए, 1 TB की क्यों चाहिए, उससे कम की क्यों नहीं। यार मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया था, मेरे पास मैंने 2 TB की हार्ड ड्राइव ले ली थी और मेरे वो बहुत काम आ रही है। बिकॉज हमारे लैपटॉप में अगर स्टोरेज कम भी हो, और अगर स्टोरेज हो भी ना हो, हमारे पास लैपटॉप भी ना हो, हम कॉलेज का लैपटॉप यूज़ करके कॉलेज का लैपटॉप या फिर कॉलेज का कंप्यूटर यूज़ करके हम अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा। होता क्या है, जब भी आपकी क्लास होती है आपको अपना लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर्स होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब आइडियली कि हम अपनी हार्ड ड्राइव लेके जानी चाहिए, उसमें प्लग इन करनी चाहिए, जब भी हमारा पूरा क्लास ख़त्म हो गया उस प्रोजेक्ट को सेव करके हम अपनी हार्ड ड्राइव में शिफ्ट कर लें। ठीक है, ताकि हमें अगर हमें हमारे पास लैपटॉप भी है नहीं तो हम लाइक यू नो घाटे में ना चले, हमारे पास सेव रहे हमारा सारा डेटा। ठीक है, हमारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं हो कि हमारे पास लैपटॉप नहीं था या कुछ नहीं था। ठीक है, बट जो लैपटॉप ले सकते हैं उनका तो बहुत ही बढ़िया। और ये आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उन सब की फ़ोटोज़ आ गई, थोड़े बहुत टीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जो मेन जो मतलब कोर्स कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं हर कोर्स के, तो उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स का तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हो एनरोल्ड। ठीक है, और इसमें कुछ रह नहीं गया वैसे,
देखो यही चीजें होती है यार, इनको वेबसाइट को अगर आप ज्यादा यूज करोगे ना, आपको थोड़ा माइंड आपका खुलेगा, आपको आप एक खुद रिसोर्स बन जाओगे, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने 7 डेज वीडियोस बनाने का सोचा, तो होप करता हूँ 7 डेज कंटिन्यू रहे और आपको मैं एज मच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ जितना मैं कर पाऊँ। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, एंड सी यू, बाय।